और अभी का व्लॉग मैं बनाने नहीं वाली थी, मैं आपको सच बताऊं, याद आई कि ये बनाना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए इस बार। अष्टमी सिर्फ लड़कों के लिए रहती है, इतनी छोटी सोचे है क्या? उनका माइंडसेट है ऐसा, उनका हम ये कहने के बाद भी चेंज नहीं कर सकते, वो भी पता है अपनी एंड में रहेंगे। नहीं, हमने सही कहा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिया प्राची व्लॉग। और देखो वो याद वही आ रहा है, बट अभी हमने क्या है, रिसेंटली हमारे व्लॉग्स का हमने नाम, चैनल का सॉरी, नाम चेंज कर दिया है। तो मेरे चैनल का नाम है प्रियाज व्लॉग और प्राची के चैनल का नाम है प्राचीज व्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, सो इसलिए हमने ये नाम चेंज कर दिया है। बाकी ये मतलब मुझे लड़ाई हो गई, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमने आपस में बैठ के, क्योंकि यार कुछ लोगों के मैसेज आए थे, फ़ोन आए थे कि यार चैनल किसका सर्च करते हैं, प्राची का कौन सा, प्रिया का कौन सा, तो पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि मेरा चैनल पहले बना हुआ था और उसका लेट, तो इस वजह से ये पहले आ जाता था वो बाद में आता था, तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। हमने सीधा सीधा सॉल्यूशन निकाला कि प्रिया का चैनल अलग, प्राची का अलग। बाकी हैंडल करने के लिए कोई भी किसी का चैनल कभी भी हैंडल कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। तो आज है अहोई अष्टमी, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत। आई होप कि आपके सभी फेस्टिवल बहुत अच्छे से बने, हमारे भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं अभी। और आज का व्लॉग है 12 बजे से स्टार्ट, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे, कहानी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे 12 बजे व्रत खुल जाता है, कुछ लोगों के यहाँ पे शाम को भी खुलता है, बट हमारा 12 बजे हो जाता है। तो मैं आपको आगे चल के मम्मी से और प्राची से मिलाती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, तो बने रहना और प्लीज पूरा देखा करो, ये नहीं कि आगे स्किप कर दिया चल दिए, लास्ट में यार मज़ेदार रहता है। और मुझे पता है कि थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही होगी, बट मैं वो बहुत जल्दी ठीक करने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हो जाएगा। अभी यार स्टार्टिंग है, इतना टाइम नहीं हुआ, और जो भी कोई कमी हो तो प्लीज़ बताते रहा करो। तो चलिए चलते हैं नीचे। देखो हमें जिससे मिलाना था वो मेरे सामने है बिल्कुल। अली मेरा अहोई अष्टमी के हम घूमने जा रहे हैं, तुम्हें चलना है? गुड मॉर्निंग। इतना माथा क्यों चढ़ा रखा है? ये मालूम है वो हटो। ऐसे ही कि जुम्मा हुआ पानी फेंकते थे। सो गाइस पूजा हमारी हो गई है कंप्लीट, अब
बनाते हैं हम रोटी खाना खाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे व्रत 12 बजे खुल जाता है, जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में स्टार्टिंग में बताया यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। आज इनकी थोड़ी तबीयत डाउन है, क्या प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो गाइज यहाँ पे चल रहा है हमारा खाना, ये है साग और दही और ये है आलू की चटनी। और आप यकीन मानना ये साग मम्मी बनाती है और गजब का बनाती है। तो बस मैं भी मिलती हूँ आपसे खाना खा के। और हाँ जी मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हो सकता है अगर एक बार मैं वेट कर रही हूँ मेरा सामान आ जाए उसके बाद मैं आपके साथ ना एक हॉल भी शेयर करने वाली हूँ, यानी कि मीशो हॉल है वो। तो उसमें मैंने दिवाली के पर्पज़ का क्या क्या सामान मंगाया है मैं आपके साथ वो आज या कल में जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो इस ब्लॉग को भी पूरा देखना, हो सकता है कि मैं इसी में ऐड ऑन कर दूँ क्योंकि शायद मेरा सामान आज या कल में आने वाला है, वरना नेक्स्ट व्लॉग तो मैं उसका बनाऊंगी ही बनाऊंगी। सो गाइज मेरे इंस्टाग्राम पे अभी मैंने एक, मतलब अभी तो नहीं, अब जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो वो थोड़ी पुरानी हो चुकी होगी, मेरे बच्चों के साथ मैंने एक रील बनाई है। तो प्लीज़ उसको प्यार देना और यूट्यूब पर भी उसको बहुत सारा सपोर्ट देना और बताना कि आपको कैसी लगी है वो वीडियो। और अभी बस हम मम्मा बेटियाँ अपना वो वीडियो बना के तब बैठे हैं कपड़े चेंज करके, उसके बाद हम शाम का व्लॉग आपके साथ ऐड करते हैं। अभी प्राची और राहू सो रही है, अभी तो राहू के साथ भी बनानी है मुझे एक वीडियो, उसके बाद मैं फिर वो वाली डालूंगी। और सो गाइज अब हो गई है शाम, 8 बज रहे हैं। आज हमने चाय भी थोड़ी लेट ही पी है क्योंकि आज प्राची की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। और अभी जस्ट मैंने उसको अभी बुलाया है कि कुछ मत कर, ऊपर आ जा जब चाय बनाएंगे। और खाना भी मैं ही बना रही हूँ, आज देवरानी की सेवा में जाते हैं थोड़ा सा। ये रही, हाय गाइस। और अभी का व्लॉग मैं बनाने नहीं वाली थी, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि अभी ना काम भी था, इसकी तबीयत भी खराब थी, पर अचानक मेरे को एक चीज याद आई कि ये बनाना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए इस बारे में। तो ये है कि मतलब आज मैंने सुना है कि अहोई अष्टमी सिर्फ लड़कों के लिए रहती है जी, किसी ने कहा, मतलब उड़ती उड़ती सी कोई हवा आई है कि अहोई अष्टमी लड़कों की रहती है। बच्चे क्या होते हैं एक बात बताओ, लड़का है चाहे लड़की, है ना? मेन चीज है कि मतलब जितना पेन करके तुम लड़कों को पैदा कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा पेन होके लड़कियां भी होती हैं। बिल्कुल। और नहीं, इस अहोई अष्टमी की कथा में कहा गया है कोख छिन जाती है, ठीक है ना? तो उसमें मतलब क्या है कि बच्चे का, लड़का है चाहे लड़की है, वो मैटर नहीं करता है। बट जो दुनिया ने माइंडसेट बना रखा है ना कि अहोई सिर्फ लड़कों के लिए रखी जाती है, तो वो बहुत गलत है, लाइक सीरियसली। इसीलिए आज मतलब ये लगा लो कि मैं ये व्लॉग बना नहीं रही थी अभी शाम को, क्योंकि हम ना फैमिली अभी मतलब ना अभी हम बैठ हम तो शुरू से रखते आ रहे हैं हमेशा से, हमें तो बल्कि मम्मी ने कभी मना ही नहीं किया, कभी कहा ही, हमारे घर में तो मुद्दा ही नहीं उठाए। पर फिर भी पता नहीं कौन कौन, अब जो लोग व्लॉग देखेंगे ना वो एक बार सोचना जरूर, जिसने ये सारी चीजें कही है, बोली है, नोटिस करी है कि लड़कों का रहता है, लड़कियों के लिए क्यों इतना वो करना, चीज में लगा लो कि एक तो भाई मेरी खुद के सास ससुर इतने बेस्ट हैं, दूसरा मेरी खुद की नानी, मैं कहूँ जिन्होंने मुझे इतना प्रमोट करा इस चीज में कि क्या होता है लड़का, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ मम्मी से ज्यादा मुझे मेरी नानी ने प्रमोट करा या मेरी सास ससुर ने प्रमोट करा है कि कुछ नहीं होता, ये लड़का वड़का कोई सीन नहीं है, बेटा ये बच्चे हैं, इनमें ये लगा लो कि इन्हें क्या पता कि तुम अभी छोटे छोटे दो दो तीन तीन साल के, इन्हें क्या पता क्या लड़का क्या लड़की। और उनसे पूछ के देखना चाहिए जिनको औलाद नहीं होती, नहीं होती, उनसे पूछो कि लड़की की वैल्यू क्या है। बट बहुत लोगों का माइंडसेट है ऐसा, उनका हम ये कहने के बाद भी चेंज नहीं कर सकते, वो भी पता है अपनी एड में रहेंगे, नहीं हमने सही कहा, या के है ना, ना मैं तो यूं कहेंगी या के है ना, नहीं है। बोलते ऐसे। सो गाइज ये फेस्टिवल्स है, इनको कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए रख सकती है, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी, इसमें मैटर नहीं करता है कि हम लड़के के लिए रख रहे हैं या लड़की के लिए। तो प्लीज ऐसी सोच ना बनाइए, मैं तो हमेशा ही अपनी बेटियों के लिए रखती आई हूँ, बेटा होगा तो बेटे के लिए भी रख लेंगे, कभी नहीं होगा तो बेटियों के लिए तो है ही। सो गाइज मैं आज बना रही हूँ दाल मखनी और हो सकता है कि जीरा राइस भी,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर करी जाए कि मैं अपने स्टाइल में दाल मखनी कैसे बनाती हूँ, वो भी इंस्टेंट वाली। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर दो और एक छोटा सा प्याज और दो ही लहसुन ये ग्राइंड कर लिए हैं थोड़ा सा पानी डाल के। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें जीरा और हींग डाल दिए थोड़े से तेल में। मैं घी का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को खांसी हो रही है और सभी के गले खराब। अगर आप चाहें तो आप घी का यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट मैं नहीं कर रही अभी। और मैं इस प्यूरी को, ये हो गया है ऑलमोस्ट, अब मैं इसमें एक तेज पत्ता और डाल दूंगी ताकि उससे इसका फ्लेवर और भी इनहेंस होके आएगा। ये मैंने इसमें सिर्फ एक ही तेज पत्ता डाला है और अब इसमें मैं डाल दूँ ये प्यूरी। मुझे लगता है कि दाल मखनी ना सबसे इजी रेसिपी है, सबसे इजी। मेरा तो जब थोड़ा सा मन करता है किसी चीज़ का कि हाँ यार दाल होनी चाहिए, पर दाल में कुछ डिफरेंट हो, तो मैं दाल मखनी ही प्रेफर करती हूँ और बहुत जल्दी बनाती हूँ। हाँ, इसमें हल्दी नहीं गिरेगी बिल्कुल भी, ये देखो। वैसे इसमें गिरता तो जीरा भी नहीं है, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि हाथ बैठा पड़ा है जीरे के लिए बहुत ज़्यादा। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें सारे बेसिक मसाले। सबसे पहले धनिया पाउडर एक चम्मच से थोड़ा सा कम, लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, और ओहो नमक ख़त्म है, इसको भी थोड़ा सा अभी मैं डाल देती हूँ। नमक पे मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा चलता है तो वो अवॉइड करना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये दाल मखनी मसाला, ये मैंने डाला है एक चम्मच। अब इसको मिक्सिंग 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 बस, और कुछ नहीं करना। और इसको इतना पकाना है, इस मसाले को सारा इसको पकाने का खेल है और कुछ भी नहीं है इसमें, जब तक ये प्रॉपर ही अपना तेल ना छोड़ दे और इस पूरी ग्रेवी का कलर ना चेंज हो जाए, थोड़ा रेडिश टोन में आ जाए तब। और गाइस ये देखिए, ये दाल मखनी मेरी बनके रेडी है, पर मैंने इसको थोड़ा पतला रखा है क्योंकि मम्मी पापा नहीं खा पाते हैं इतनी ज़्यादा सूखी। और ये अभी थोड़ी देर में और भी गाढ़ी ही हो जाएगी, रखे रखे जैसे ही ठंडी होगी ना और भी हो जाएगी। मैंने इसमें थोड़ी सी एक चम्मच मलाई डाली है और कसूरी मेथी और मिर्च सब्जी, सॉरी दाल मखनी रेडी है। आपको इंस्टेंट बनाना हो ना, बस इसलिए भीगी हुई होनी चाहिए और ये इतनी जल्दी बनती है। इसमें मैंने कम से कम अभी 8 सीटी लगाई थी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला था, बेकिंग था ना, बेकिंग सोडा होता है जो गलाता है, शायद वही रहता है, बेक वाला तो नहीं, हाँ जो भी मैंने सोडा डाला था जो गलाने वाला होता है। और इसमें एक उबाल आएगा और ये रेडी है बिल्कुल। मैं इसको बस नीचे ही दे के आ रही हूँ, अभी मम्मी भी आई थी बट मैं थी नहीं अभी इधर, लेके चलते नीचे, थोड़ी देर नीचे बैठेंगे, गपशप मारेंगे, ब्लॉग की एडिटिंग करेंगे और ब्लॉग को आप तक पहुंचा देंगे। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं हफ्ते में 3 दिन ब्लॉग डालूं ही डालूं जरूर, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं हो पाया तो वो चीज़ अलग है, बट फिर भी मैं डालूंगी जिसमें से कि एक मैं रेसिपी का ब्लॉग कोशिश करूंगी कि जरूर डालूं जरूर। लगू पकड़ ले बेटे, ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने खाना भी यहीं खा लिया नीचे, यूं मत समझो आज अगर नाम चेंज कर दिया है तो लड़ाई होगी, मैंने सुबह ही कह दी, मैंने कंफ्यूजन चल रहा है हमारा बहुत तगड़ा, कहते नीचे खाना खाया। हाँ बल्कि आज नाम चेंज हुए तो आज नीचे ही खाना, सब्जी मैंने बनाई, आटा प्राचीन लगाया। और ब्लॉग को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, और जो जो हमारी बात से सहमत है जो हमने की थी अभी तो कमेंट में बताना सर कि हमने सही कही। YouTube फैमिली के जितने सब्सक्राइबर हैं ना
वो पॉजिटिव है ये पता है, क्योंकि अब तक कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट आ चुका होता है। छुपा तो बैठो, थोड़ा चल रहा है पर अच्छा चल रहा है, मुझे ये पता है बहुत अच्छे है। आज तक भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया टच वुड। जो नेगेटिव वाले हैं ना वो सिर्फ देखते हैं, वो सब्सक्राइब के और साइड कर देते। ओ ऑयल बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।